लक्षद्वीप भारत का एक ऐसा आइलैंड जो मालदीव को टक्कर देने वाला है। दोस्तों भारत का ये आइलैंड मालदीव से कई गुना बेहतर और सुंदर है। सफेद रेत, हरे भरे नारियल के पेड़, शांत वातावरण, चारों तरफ फैला हुआ विशाल नीला समुद्र, और अब यहाँ भारत अपने मेगा प्रोजेक्ट को शुरू करने वाला है। अगर हम देखें तो मालदीव में रूम का किराया तो ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर लगने वाले टैक्स काफी ज्यादा है। दोस्तों जितना वहाँ रूम का रेंट नहीं है उससे ज्यादा तो लोगों को टैक्स भरने पड़ जाते हैं। और जब हमारे भारत के पास खुद का लक्षद्वीप मौजूद है तो फिर भारतवासी मालदीव क्यों जाना चाहेंगे? हम आपको बता दें कि भारत के लक्षद्वीप के अंदर कई सारे ऐसे छोटे छोटे आइलैंड मौजूद हैं, जहां आपको मालदीव की तरह ही बिल्कुल सफेद रेत देखने को मिल जाएगी। और हमारी भारत सरकार लक्षद्वीप को मालदीव से भी ज्यादा बेहतर बनाने में लग गई है। भारत सरकार का एम है कि वो लक्षद्वीप को मालदीव से काफी ज्यादा सस्ता और काफी ज्यादा लग्जीरियस बनाए। और दोस्तों आप लक्षद्वीप पर घूमने के लिए जाएंगे तो आपको मजा तो मालदीव के जैसा ही आएगा, लेकिन आपके पैसे कम खर्च होंगे। अब चलिए हम उन मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं जो भारत लक्षद्वीप के ऊपर लेकर आने वाला है। इन प्रोजेक्ट्स के कंप्लीट होने के बाद लक्षद्वीप हम भारतवासियों को मालदीव से भी ज्यादा फैसिलिटीज देने वाला है। दोस्तों मालदीव का मेन अट्रैक्शन है वहां मौजूद वाटर विलास, जिसमें रहने के लिए दूर दूर से पर्यटक मालदीव आते हैं। ये वाटर विलास समुद्र के ऊपर बने हुए छोटे छोटे कॉटेज हैं, जहां सरफेस से समुद्र बिल्कुल साफ दिखाई देता है। असल में इनकी सरफेस कांच की बनी होती है। दोस्तों इन वाटर विलास के कॉटेज का कॉस्ट 2 से 2.5 लाख रुपए है। इसके अलावा यहाँ की सरकार 5 से लेकर 7 लाख रुपए एक रात के चार्ज करती है। लेकिन अब हमारा भारत इन वाटर विलास को लक्षद्वीप के कदमत सोहेली मिनिकाय आइलैंड पर बनाने वाला है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 75 साल के लिए ये काम दिया जाएगा, जिसमें 370 रूम यहाँ बनाए जाएंगे, और इसे बनाने में यहाँ 813 करोड़ का खर्चा आएगा। और हमारे भारतवासी जिन लग्जरी विलास के लिए मालदीव जाते थे वो उन्हें अपने देश भारत में ही मिल जाएंगे। दोस्तों ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है, धीरे धीरे करके लक्षद्वीप मालदीव से भी ज्यादा डेवलप हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि टाटा कंपनी और ताज ग्रुप ऑफ होटल भी लक्षद्वीप के आइलैंड्स पर रिजॉर्ट बनाने के लिए सामने आ चुके हैं। बहुत ही जल्दी यहाँ बड़े बड़े इको रिजॉर्ट्स बनाए जाने वाले हैं। दोस्तों वैसे तो लक्षद्वीप पर काफी सारे मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए जाने वाले हैं, लेकिन इनमें सबसे खास है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट। एक सबमरीन केबल ऑब्जेक्ट के जरिए हमारे देश के कोचीन को लक्षद्वीप से कनेक्ट करा जाएगा, ताकि यहाँ आने वाले टूरिस्ट को हाई स्पीड इंटरनेट की फैसिलिटी मिल सके। वो फैसिलिटी जो मालदीव 5-स्टार VIP क्लाइंट्स को देता है, वो अब लक्षद्वीप में आम भारतीयों को मिलेगी, जब वो घूमने के लिए मालदीव छोड़कर लक्षद्वीप जाएंगे। इसके अलावा यहाँ एक लो टेम्परेचर थर्मल डीसेलिनेशन प्लांट भी लगाया जा रहा है, ताकि समुद्र के पानी को इस्तेमाल करने लायक बनाया जा सके। ये प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा तो ये यहाँ आने वाले टूरिस्ट और यहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा फ्रेश वाटर का सोर्स बन जाएगा। ये प्लांट यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी को आसान बना देगा। इसके अलावा इस फ्रेश वाटर के जरिए एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों भारत सरकार सी वाटर को फ्रेश करने के लिए जो प्लांट लक्षद्वीप में लगाने वाली है, ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें भारत सरकार को काफी ज्यादा फायदा भी मिलने वाला है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ भारत सरकार सोलर पावर प्लांट भी लगाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समुद्री इलाकों में सूरज की रोशनी काफी ज्यादा तेज देखने को मिलती है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि समुद्र की सतह से भी सनलाइट काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है, और ऐसी जगह पर सोलर पावर प्लांट लगाना काफी ज्यादा फायदेमंद है। भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा सोलर पावर प्लांट लक्षद्वीप पर लगाने का फैसला किया है। इस प्लांट के जरिए लक्षद्वीप के सभी छोटे छोटे आइलैंड पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती रहेगी। दोस्तों लक्षद्वीप के सभी प्रोजेक्ट में पैसा तो काफी ज्यादा खर्च होने वाला है, लेकिन जब ये सभी प्रोजेक्ट तैयार हो जाएंगे तो उसके जरिए भारत को बहुत बड़ा बेनिफिट लक्षद्वीप से मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं यहाँ रहने वाले लोगों के लिए हेल्थ फैसिलिटीज भी अवेलेबल कराई जाएगी, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले हैं। इसके अलावा लक्षद्वीप का एक फेमस आइलैंड जिसे अगाथी के नाम से जाना जाता है, इस आइलैंड पर एक बहुत बड़ा आइस प्लांट लगाया जाएगा। ये प्लांट उन लोगों के लिए लगाया जा रहा है जो लक्षद्वीप के अंदर मछली पकड़ते हैं, ताकि उनकी मछलियों को फ्रेश रखा जा सके, जिससे इन मछलियों को एक्सपोर्ट करके यहाँ के लोगों की आमदनी अच्छी खासी हो जाएगी। बल्कि लक्षद्वीप में टूरिज्म को डेवलप करने के लिए ताज ब्रांड ने लक्षद्वीप के कदमत और सोहेली आइलैंड में इको फ्रेंडली रिजॉर्ट बनाने की बात करी है, ताकि इसके जरिए इंटरनेशनल टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। यहाँ आने वाले देश और विदेश के टूरिस्ट को वो सभी लग्जीरियस फैसिलिटीज दी जाने वाली हैं जो मालदीव में दी जाती हैं।
और सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ मौजूद अगाती एयरपोर्ट को भी एक्सपेंड किया जा रहा है। भारत सरकार इस एयरपोर्ट पर काफी ज्यादा पैसा लगाकर यहाँ के रनवे को बड़ा कर रहा है ताकि देश विदेश के एरोप्लेन को यहाँ उतारा जा सके। दोस्तों कुल मिलाकर ये बात तो साफ है कि लक्षद्वीप के इन मेगा प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद मालदीव का हाल बुरा होने वाला है। दोस्तों हम आपको बता दें, मालदीव के तीन मिनिस्टर ने जब भारत के ऊपर कमेंट करी थी उसके बाद मालदीव ने फौरन ही इन तीनों मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि मालदीव बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर भारत के टूरिस्ट मालदीव जाना छोड़ देंगे तो इससे मालदीव की इकोनॉमी पर काफी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए मालदीव के करंट प्रेसिडेंट मोइजू ने भी साफ कहा है कि हम नहीं चाहते कि भारत के लोग मालदीव आना छोड़ें। इसके अलावा मालदीव के एक्स प्रेसिडेंट नशीद जो फिलहाल ही भारत आए थे, उन्होंने भी भारत आकर यही स्टेटमेंट दिया। मालदीव के लोग भारत के लोगों से माफी मांगना चाहते हैं उस कमेंट के लिए जो मोइजू गवर्नमेंट ने भारत पर किया है। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि भारत के लोग मालदीव जाना बंद न करें, लेकिन हम आपको बता दें कि भारतवासी फिलहाल मानने को तैयार नहीं है। भारतवासी मालदीव को बायकॉट कर चुके हैं और देखा जाए तो भारत के सभी लोग मालदीव जाना बंद कर रहे हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ महीनों के अंदर ही मालदीव के होटल और रिजॉर्ट में 35% की गिरावट आई है, वो भी केवल भारतीय टूरिस्ट की वजह से। इसे साफ पता चल रहा है कि भारतीयों ने मालदीव को बायकॉट कर दिया है और हो सकता है आने वाले समय में ये आंकड़े बढ़कर 50% और 70% तक पहुंच जाएं। दोस्तों अगर भारतीय मालदीव नहीं जाते हैं तो मालदीव को इससे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि साल 2023 में भारत के 2 लाख से ज्यादा टूरिस्ट मालदीव घूमने के लिए गए थे। लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई है। देखा जाए तो भारतीय सरकार ने मालदीव का तख्ता ही पलट दिया है। हमारे भारतवासी मालदीव से बहुत सख्त नाराज हैं और मोइजू गवर्नमेंट को जो चीन सपोर्ट कर रहा है उससे भी मालदीव के टूरिज्म में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों सिर्फ चीन ने मालदीव को फाइनेंशियली हेल्प करी है, वो भी कर्ज के रूप में, लेकिन मालदीव जो चीन से कर्जा ले रहा है वो भी उसे एक न एक दिन वापस करना ही होगा। देखा जाए तो मालदीव गवर्नमेंट भारत पर कमेंट करके अब बहुत बुरी तरह फंस चुकी है और इसकी वजह से मालदीव के लोग भी मोइजू से काफी ज्यादा नाराज हैं। ऐसा लग रहा है कि अब मालदीव के लोग मोइजू को अपना प्रेसिडेंट नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि भारतीयों के मालदीव ना पहुंचने की वजह से मालदीव को इकोनॉमिक फाइनेंशियल लॉस होने लगा है। दोस्तों जब तक मालदीव की सरकार बदलेगी तब तक मोइजू और भी बड़ा कर्ज चाइना से ले चुके होंगे और फिर अगर कोई नई सरकार आती है तो जाहिर है वो भारत का फेवर करेगी और आखिर में भारत से ही मदद मांगनी पड़ेगी। लेकिन फिर तो ये हमारी भारतीय सरकार के ऊपर है कि वो मालदीव की हेल्प करती है या नहीं। दोस्तों मालदीव के करंट पॉलिटिशियन और एक्स पॉलिटिशियन चाहे कितनी भी माफी क्यों ना मांग लें, अब हमारे भारतवासी मालदीव नहीं जाने वाले हैं। अब देखना ये है कि आने वाले समय में क्या होता है मालदीव का फ्यूचर। तो आप कब जा रहे हैं लक्षद्वीप, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।